ये दोनों एक साथ पढ़ते थे, तो बारहवीं क्लास में, दोनों का आपस में अच्छा प्रेम संबंध था और अपनी इच्छा से मालक है। निश्चित तौर पर प्रोस्टिट्यूट्स की एज कम थी इसलिए मुजरिम बन गए। वो तो स्वयं मालाट होटल थाने में आ गए थे सब, लेकिन पुलिस वहां से तो दिखा। बरामद होना और होटल में से जब तोना वो अलग चीज है, अपने आप आके थाने में पहुंचना अलग। एलिगेशन आदिल अहमद के ऊपर लगाया है। आदिल के ऊपर, मतलब यस ये दोनों एक साथ पढ़ते थे तो बारहवीं क्लास में, दोनों का आपस में अच्छा प्रेम संबंध था और अपनी इच्छा से मालक है। निश्चित तौर पर प्रोस्टिट्यूट्स की एज कम थी इसलिए मुजरिम बन गए। और इसमें प्रोस्टिट्यूटिंग ने पैरा नंबर 23 में जो कहा उसको मैं पढ़ देता हूँ। PW2 है, यह कहना सही है कि आरोपी आदिल अहमद के साथ में मैं मात्र बस स्टैंड चचाई तक गई थी। उसके बाद आदिल अपने घर चला गया और आदिल मुझे कहीं लेकर नहीं गया। यह सही है कि आदिल मेरे साथ इलाहाबाद सतना नगर में जबरदस्ती करने की बात पुलिस के कहे अनुसार बताई थी। यह कहना भी सही है कि पुलिस के कहे अनुसार ही मैंने न्यायालय में उक्त बातें बता दी थी। यह कहना भी सही है कि आदिल द्वारा जबरदस्ती कमरे में रोक कर करने के बाद ही मैंने पुलिस के कहे अनुसार कही थी। आरोपी आदिल ने मेरे साथ कहीं भी बलात्कार की घटना कायम नहीं की थी। यह कहना गलत है कि मुझे आदिल कहीं भी कभी भी भगा कर नहीं ले गया। यह कहना गलत है कि मुझे कहीं भी कभी भी लाज के कमरे में नहीं रखा। मालाट स्टेटमेंट ऑल्सो मैटर, और प्रेजेंट टाइम में मालाट उसको कोई आपत्ति भी नहीं है हमारे जेल से छूटने से। और मालाट 18 साल की उम्र थी उस समय पर, आज 3 साल से ज़्यादा हमको जेल में छोड़े। तो हमारे फ्यूचर का सवाल है, हम आगे पढ़ना चाहते हैं और अपने जीवन को सुखते स्टेट क्या ऑर्डर? मेरी In terms of penalty, the appellant would be entitled to be released on bail. The same is disputed by the state on any learned substance for the considering the material on record. We are of the view that the appellant is not entitled to be enlarged on bail, and the victim has specifically stated in her evidence that the offence has been committed by the accused Adil Ahmed on her. She has narrated the manner in which the offence has been committed. Therefore, it could not be said that there was any error committed by the trial court in appreciating the evidence. However, learned counsel for the appellant contends that there are error in the एज क्या थी इसके विक्टिम के? 16 17 साल है, 16 मंथ 16 इयर्स 10 मंथ्स पर दोनों एक साथ में पढ़ते थे। द डेट ऑफ बर्थ वाज 5/11/2001 मैडम, और एंड द मतलब इसमें ऑफेंस वाज कमिटेड ऑन 5/9/2018। ही वाज 16 इयर्स 10 मंथ। इसमें डॉक्टर का भी स्टेटमेंट है मलाट, जिसके द्वारा उम्र की जांच के लिए भी एक्सरे वगैरह भेजा गया था। वो रिपोर्ट मलाट प्रोसिक्यूशन ने कष्ट नहीं किया। ये विक्टिम कहाँ से बरामद हुई है? ये मलाट स्वयं थाने में आ गए थे, लोग थाने से बरामद हुए मलाट। होटल वही अनूपपुर का होटल बता रहे हैं ऐसा कहना है। और फर्स्ट टाइम मलाट माननीय हमारे जो पूर्व अधिवक्ता थे मलाट, उन्होंने बताया नहीं इस प्रकार से उसका स्टेटमेंट। पैरा 23 में उसने क्या कहा है? Date was conducted on 14/9/2015 on the hotel. होटल होटल से बरामद हुई है। होटल से बरामद हमारे आप नहीं आई है। 14/9/2015 रेट वाज कंडक्टेड। वो तो स्वयं मालाट होटल थाने में आ गए थे सब, लेकिन पुलिस वहां से तो बरामद होना और होटल में से जब्त होना वो अलग चीज है, अपने आप आके थाने में पहुंचना अलग चीज है। हाँ ऐसा ही मालाट, लेकिन पुलिस ने बना दिया है। तो आपको एक गिल्टी होल्ड किया ट्रायल कोर्ट ने, ट्रायल नहीं चल रही है अभी आपकी, मालाट पुलिस ने ऐसा बना दिया। मालाट ट्रायल इज ओवर नाउ, यू आर ऑलरेडी हेल्ड गिल्टी। मेरा निवेदन मात्र इतना है कि 18 साल की उम्र में अब व्यक्ति क्या सोच सकता है, क्या वो कर सकता है। मालाट अभी पढ़ने की इसकी उम्र है और अच्छा जीवन जीना चाह रहा है,
उसको थाना दे दिया। कितना कस्टडी पीरियड हुआ है अभी वो? 3 साल से ज्यादा। कितनी सजा टोटल? 8 सजा कितनी है? तो 20 साल है मलाट, लेकिन अगर 2 साल 3 साल भी रह गया तो जीवन तो कुछ हासिल होगा नहीं मलाट। और इसमें कानून जो था मलाट, ये कानून इसके अलावा और कोई ग्राउंड है? इसके अलावा मलाट कहिए कि ये सारे आर्गुमेंट आपने 27/9/23 को कर लिए, मतलब ये आर्गुमेंट नहीं हो पाया था 27/9 को मलाट। ये जो उसने स्टेटमेंट दिया है पैरा नंबर 23 में, ये आर्गुमेंट नहीं बताया जा गया था। ठीक है, तो मेरा निवेदन था मलाट की उसकी उम्र को देखते हुए और उसके लाइफ को देखते हुए मलाट, क्योंकि फर्स्ट ऑफेंडर है और ऐसा कोई ऑफेंस भी नहीं है, तो जेल में रहकर भी कोई पर्पस सॉल्व होगा नहीं मलाट, तो कोई ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड सबको छोड़ देना चाहिए जेल में रहकर, ऐसा का पर्पस सॉल्व नहीं होगा ऐसा नहीं मलाट। इसके पीछे मलाट मीडिया, ये मोबाइल, जो बच्चों का जो दिमाग आजकल गड़बड़ हो रहा है मलाट, उसके पीछे एक्चुअल दोषी तो ये है मलाट। सोशल मीडिया में तरह तरह की इस प्रकार से जो है, तो इस जेल में रहने से सामाजिक सुधार नहीं होगा मलाट। मेरा निवेदन था मलाट कि इसके पीछे और 3 साल पहले तो अपराध नहीं था, 3 साल बाद अमेंडमेंट हुआ तो अपराध हो गया, और अगर इसकी भी उम्र 18 वर्ष की होती, एक हैवियस कार्पस की यहाँ रीट लगती कि हमको सुरक्षा दी जाए, तो माननीय अनेबल कोर्ट द्वारा सुरक्षा भी इनको दे दी जाती, इनको सुरक्षा दी जाए। हम पेपर में सवेरे आता तो मलाट ये तो आज इसलिए इनकी उम्र को देखते हुए मलाट मेरा कर ले मलाट लिबर्टी दे दीजिए, 2 साल 1 साल की जो भी लिबर्टी कुछ नहीं मलाट लिबर्टी हो जाएगी तो इस लिबर्टी दे दे मलाट आफ्टर लिबर्टी।